तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी वलीमाई अपडेट। ये पिछले साल भर से ट्रेंड हो रहा है। एक छोटा सा कुछ भी अपडेट आता है वलीमाई का तो वो ट्रेंडिंग में नंबर वन आता है ट्विटर पर। लेकिन फैंस की जितनी एक्साइटमेंट है, जितनी एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो ये फिल्म मैट कर पाएगी या फिर पूरी कर पाएगी, ये मैं बताने वाला हूँ। वलीमाई ग्लिम्स आ चुका है लगभग 1 मिनट 26 सेकंड का। मुझे ऐसा लगता है आप इस ग्लिम्स की जगह इसे टीजर ही बोल देते, लेकिन ऐसे माहौल में कोविड काल में जहां बहुत कुछ नहीं आया, ऐसे में ये किसी सेलिब्रेशन या पार्टी से कम नहीं है कि एक बड़े सुपरस्टार का एक ग्लिम्स सामने आया है। थलाजीत की इस फिल्म वलीमाई का जो ग्लिम्स है वो कुछ हद तक काफी अच्छा है, लेकिन लास्ट में खराब कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिग फैन हूं थलाजीत का। आई हैव सीन विवेगम और उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आई, लेकिन यहां पर जो मुझे लगा, जो चीज मुझे लगी कि गड़बड़ लगी थोड़ी, वो उस पर मैं जोर करना चाहता हूं। क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं बात, बहुत लोग जो फैंस होंगे थलाजीत के उनको भी ये बात बुरी लगेगी। और इस टीजर में मतलब जो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए थी। आपने टीजर बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, जो इंग्लिश सबटाइटल्स वो भी मुझे काफी अच्छे लगे। फिर आप एक बाइक उड़ रही है, बहुत स्लो मोशन, बढ़िया आप कूल लगा। उसके बाद में आपने हमारे थलाजीत को दिखाया बाइक पर रन करते हुए, वहां तक ठीक था। लेकिन जो आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से उन्हें बाइक से जो कूदते हुए दिखाया और उसके में जो VFX दिखाया, जो भी लगा, वो बहुत अप टू द मार्क नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि वो सीन के जगह कोई और सीन भी होते हैं ना, काफी अच्छा लगता। तो पोंगल में ये फिल्म आने वाली है 2022 में, ये तो तय है। पूरा टीजर में वो जो लास्ट का हिस्सा था, स्पेशली वो जो है ना ऊपर से कूदते बाइक से एंड देन यू सी वलीमाई, वो बहुत ही एब्रप्ट लगा। मुझे लगा कि लगता है कि ये टीजर बहुत धास हो सकता था, बहुत ही धास हो सकता था, लेकिन इस पर मेहनत नहीं की गई है। लास्ट की कुछ चीजों पे अगर मेहनत कर देता ना तो ये कमाल हो जाता और धमाल हो जाता। मैं बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि किसी का हेटर हूं, किसी का फैन। फॉर मी सिनेमा ऑलवेज कम्स फर्स्ट, और यहां पर मुझे लगता है मेकर्स को ट्रेलर में ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। अदरवाइज लोग इसे सस्ता धूम मूवी कहेंगे बॉलीवुड का, या सस्ता रेस 3, क्योंकि रेस 3 में भी एक राधे में भी एक सीन था जहां पे सलमान खान ऐसे बिल्डिंग से, वैसे तो अंदर आते तो बाहर जा रहे, बट स्टिल थोड़ा सा VFX में ऊपर नीचे अगर रहता है तो लोग कंपेयर करना बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। सो ऑन ए पॉजिटिव नोट, मुझे ये चीज ठीक लगा, बहुत अच्छा हो सकता था, बट स्टिल फॉर मी आई एम गिविंग इट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। एंड यस, आई वॉन्ट ए बिग ग्रेट ट्रेलर वेरी सून। चलिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।